कार्तिकेय पोद्दार जी आगरा से। सादर प्रणाम महाराज जी, प्रायः आपका प्रवचन यूट्यूब के माध्यम से घंटों सुनता हूँ। भगवान में विश्वास सच मायने में आपके शब्दों से बन रहा है। महाराज जी, रात्रि में एकांत में भजन के लिए घर के मंदिर में बैठता हूँ तब अनजान भय होता है, वैसे ठीक रहता हूँ। मूल परेशानी भविष्य की चिंता और युग क्षेम अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। यह भी लगता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले से जैसे हम जिस फिल्म के विषय में पूरा ज्ञान नहीं रखते हो, जब उसे देखते हैं तो लगता है आगे होगा क्या। लेकिन डायरेक्टर को तो सब पता है ना, पहले से उसने बना के फिट कर दिया है ना। ऐसे मेरे जीवन की फिल्म बन चुकी है, डायरेक्टर को पता है। अब हमारे रोने धोने से कुछ होना नहीं, आगे जो होना है वो तो पक्का निश्चित हो चुका है। एक काम कर सकते हैं, हम फिल्म को देखना बंद कर देते हैं तो हम बच जाएंगे, उसके हर्ष शोक से बच जाएंगे। ऐसे हम शरीर और संसार के दृश्य को देखना बंद कर दें और प्रभु को देखना शुरू कर दें तो कोई भी विघ्न, कोई भी दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता। और विश्वास मानिए, प्रभु अपने शरणागत को बहुत दुलार करते हैं। उनके किसी भी कर्मों पर दृष्टि न रख के वो अपनी कृपा से उसका कल्याण कर देते हैं। प्रभु कृपा जब करेंगे तो कौन सी ऐसी वस्तु जो आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी। तो भयभीत क्यों होना, आगे के लिए विचार क्यों करना। जैसे आपका छोटा सा बच्चा हो तो वो बच्चा चिंता करे कि बाल भोग कब मिलेगा, राजभोग कब मिलेगा, शयन भोग कब मिलेगा, कि वो आप चिंता करते हैं, आप चिंता करते हैं। यदि आप अपने को बच्चा नहीं मानते हैं तो फिर आपको ये चिंता करनी चाहिए कि मुझे आगे क्या होगा। यदि आप अपने को प्रभु का बच्चा मानते हैं, प्रभु का शरणागत मानते हैं, तो आपको ठीक ऐसा ही भरोसा रखना चाहिए जैसे तुम्हारा छोटा बच्चा बिल्कुल खेलता रहता है, आनंदित होकर। और ये चिंता माता पिता को थी, अरे इसके कपड़े नहीं बदले, अरे इसको भोजन पाओ, 11 बज रहा है अभी तो खेल रहा है। बोले नहीं खेल, अरे कैसे खेल ले, तो भोजन का समोसे पाओ। ये माता पिता का विषय है, बच्चा तो आनंद। हम लोग बच्चे हैं, जैसे भी है उनकी माया के खेल में खेल रहे हैं। ये उनका चिंता का विषय, आगे के लिए बिल्कुल चिंतित मत हो। आगे क्या होगा, वही होगा जो मेरा प्रीतम करेगा, जो प्रीतम करेगा वो मंगल करेगा। वो अमंगल तो कर नहीं सकता, बड़ा से बड़ा अमंगल रूप भी महामंगल में है, ये वही जान सकता है जिसका चित्त प्रभु में स्पर्श किए हुए। नहीं तो जान नहीं पा रहा, उसको लगता है भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। समझ रहे ना, आप भजन प्रायण रहिए और विश्वास कीजिए प्रभु आप पर बहुत दीजिए हुए हैं। जो आपका मन एकांत में भजन के लिए लगने लगा है, और घबराइए मन, ये घबराहट मन में पैदा होती है क्योंकि ये पापी मन बहुत जन्मों से हमें प्रभु से विमुख रखा है। आज जब हम भजन में लगते हैं तो घबरा जाता है क्योंकि मरेगा ये मन, जिसने हमें बहुत सताया है ना, अब वो मरेगा। मन ही मारे तनहारी के वृंदावन में गाय, मन मारे तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर, आप वो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत का चेहरा। तो ये मन डरता है, मन डरता है कि यार मर न जाए हम। आप एकांत में या भजन में बैठे तो वो डरता है, और उसमें इतना प्रेम है हमें मन से कि हर मन की बात मैं अपनी बात समझता हूँ। मन घबरा रहा तो मैं घबरा रहा हूँ, मन हर्षित है तो मैं हर्षित हूँ। अगर हम मन के दृष्टा आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा मन घबरा रहा है, तो आप मन तो नहीं है ना, आप मन के देखने वाले बने। तो आप थोड़ा हट करके बात कीजिए, घबरा रहा तो घबरा तू, तूने पाप किए तो भोग तू, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का सच्चिदानंद अनंत हूं, मुझे कभी कोई भी माया परास्त नहीं कर सकती। पर ये बात आ गई तो बहुत बड़ी साधना हो गई, बहुत बड़ी चढ़ाई में चढ़ गए आप। आप प्रयासरत रहिए और सत्संग सुनते रहिए तो निश्चित वो विवेक आ जाएगा जिससे हम मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लें। तो महाराज जी, जो अनजान शक्तियों का भय है वो मन का ही भय है दरअसल। हाँ, कोई भी ऐसा हरि स्मृति सर्व विपदि विमोक्षणम, जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, ना किसी देवी देवता की, ना किसी मनुष्य की, किसी की ताकत नहीं कि मार सके, पक्का। ओ, एक बार हम भ्रमण कर रहे थे तो एक फतेहपुर जिले में कस्बा है, तो वहां के जो भूतपूर्व प्रधान थे उनकी नवीन प्रधान से बड़ी दुश्मनी थी। उधर ही भ्रमण करने के लिए, कभी गंगा का किनारा कभी ऐसे एक आम क्षेत्र में भ्रमण करते थे, तो खबर मिली थी। तो अपने लोग तो मतलब जैसे चिंतनी स्वभाव ना, हर बात को फिल्टर करके अपने में ले आना। तो सुना कि पूर्व प्रधान ने नवीन प्रधान को मतलब गोली मारने के लिए, राइफल साथ रखते थे, एक आदमी साथ रखते थे, उधर वो आ रहे थे कार से और ये जा रहे थे मोटरसाइकिल से, पुराने प्रधान, उनके पास भी दुनाल थी। अब उनको पता नहीं था कि कोई ऐसा दृश्य, वो तत्काल नजदीक मोटरसाइकिल लेकर राइफल से गोली मारी सीधे पुराने प्रधान ने नए प्रधान पे, मिक्स हो गए। पहले उतर पड़े गाड़ी से, उनके भी आदमी थे, तो उनका कहो प्रधान जी, कहो हाथ से तुम्हें मार डाले, कहो बंदूक से मार डाले।
अब जो मिक्स सारा खेल उसी का है और मुंह बगैर खड़े हुए क्योंकि 8-10 आदमी उनके साथ थे, बोले जाओ प्रधान जी क्षमा किया, आगे से ऐसी गलती मत करना। वो जब घर गए तो बहुत गुस्सा हुए और वही गोली जब राइफल की मारी तो छूट गई। उनको लगा भगवान जिसको बचाते उसे कोई मार नहीं। जब ये बात सुनी तो हमें बहुत अच्छा, निर्भय रहो, किसी की ताकत नहीं कि कोई मार सके, किसी की ताकत नहीं। एक मौनी महात्मा थे, हमने कई बार सत्संग में बताया, गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो वो मिले थे, वो मौन रहते थे और गंगा ही किनारे घूमते थे। तो गंगा गंगा किनारे कई ऐसे होते हैं कि जो बड़े बड़े अराजक तत्व भी गांव में रहते हैं, तो 8-10 लोग जो है शराब पिए गंगा किनारे बैठे हुए थे। तो ये जब गए तो बुलाया और वो किसी विधर्म में जो अपने धर्म के प्रतिकूल लोग थे वो लोग थे, वो बुलाया और घेर लिया उन मौनी महात्मा को। और वो क्या जाने कि मौन क्या होता है, कहां से आया, क्या है, वो बोले बोले नहीं तो बोले मारो साले को। तो महात्मा ने कहा कि अब हमें लगा कि मारेंगे, बोले मार। संध्या का समय था, रात्रि धीरे धीरे विस्तार को हो रहे, अंधेरा बढ़ रहा था। उन्होंने सोचा कि अब मुझे मार डाला जाए, पर उनका मैं बोलूंगा नहीं, अपने व्रत से ही रहूंगा। अब उनमें से एक ने कहा कि वो आंख मूंद के खड़े हुए, एक ने कहा कि आप क्यों मारोगे इसको, कुछ बोल तो रहा नहीं। बोले नहीं मारेंगे, कोई तुम्हारे रिश्तेदार लगता है, बोले मार के दिखाओ। शुरू हो गए लाजूता आपस में, शुरू हो गए महात्मा चलती है, ये है हरि का खेल, आपस में भिड़वा दिया और वो चले गए। महात्मा जी मौनी महात्मा ने बताया कि हमें कोई रोकने वाला नहीं, उधर लाजूता आपस में चल रहा था, हम चले गए। अरे जिसके हरि सहायक है उसको कौन मार सकता है, आपको हरि पर विश्वास कर लेना चाहिए। देखो ये शरीर एक नियत समय के लिए आया है, यदि इसको अभी 10 मिनट केवल रहना है तो सिर्फ 10 मिनट रहेगा, 11वें मिनट इसे कोई बचा नहीं सकता। और अगर इसको 50 वर्ष रहना है तो काल की भी ताकत नहीं कि इसका बाल भी गिरा दे। इतनी पक्का विश्वास रखना, हिम्मत रखना, बिल्कुल हरि के विधान के खिलाफ नहीं हो सकता। अगर हरि का विधान है ऐसा होना है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, और अगर है कि ऐसा नहीं होगा तो उसे कोई कर नहीं सकता। इस बात पर निश्चित हो जाओ तो क्या भय है।